चल बढ़िया, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्म टू नाम से, क्योंकि हम हमारे जो फॉर्म से वो सेकंड सेशन है हमारा फॉर्म के ऊपर, फॉर्म टू डॉट एस टी एम एल, ओके बी एस फॉर्म टू डाल दो, बी एस की बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं रह रही है तो आपको हमेशा मतलब ज्यादातर प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसके लिए, तब जाकर आपको चीजें याद रहेगी। ये जादू नहीं है कोई भी कि हम लोग सब कुछ याद रख सके, जैसे पॉसिबल नहीं होता हर क्लास को याद कर रखना ये वो सब, बट जैसे जैसे यूज में आएंगे वो सब चीजें तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में रहेगी, वो आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया। काफी बार वैसे होगा आपके साथ में, तो मैं देखो अभी पूरा फॉर्म तो मैं बनाने की कोशिश चलो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं सोच रहा था यही से उठा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म बनाना सीखा है पहले भी। देखो कंटेनर हम लोग लेते हैं या फिर नहीं लिया तभी चल जाएगा, बट मैं कंटेनर के साथ में ही काम करता हूँ। यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे उसके अंदर डॉट टेक्स्ट सेंटर, डॉट टेक्स्ट सेंटर हो गया, और क्या लगाते हैं डिस्प्ले वाला लगाते हैं, डिस्प्ले हाइफन टू प्लस फॉर्म टू इनलाइन फॉर्म, या फिर उसमें भी और भी फॉर्म रहेंगे जैसे तो हम लोगों ने देखा है इनलाइन फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इनलाइन रो बना लेता हूं मैं, ड्यू डॉट रो। इस रो के अंदर हमें क्या करना है, देखो अभी मैं रो के अंदर डायरेक्टली फॉर्म क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। अभी आप सोच रहे होंगे देखो यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर लगाया फॉर्म हाइफन इनलाइन, ठीक, तो ये भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलो ये वाला जो टेक्निक है वो फॉलो करके दिखाता हूँ, फिर मैं अलग सा वाला बताता हूँ इससे भी आसान वाला, और जो बढ़िया होगा फिर हम लोग उसको चूज कर लेंगे वहां से। तो इसको मैं अभी देने वाला नहीं हूँ, सिंपल देखो मैं यहाँ से जो अभी काम हमें करना नहीं मैं डायरेक्टली उठा ले रहा हूँ यहाँ से, देखो क्योंकि ये हम लोग वही चीज है जो हम लोगों ने देखी है यहाँ पे, देखा है हम लोगों ने। इसमें से कुछ चीजें जैसे कि ये नाम वगैरह हमें पता है, प्लेस होल्डर पता है, इसमें से ये आईडी भी हमें पता है, राइट ना, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोगों ने नहीं देखा इसमें से, ओके ये सेम होना चाहिए। एक रिकमेंडेशन है मेरा भी आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे नेम अगर देते आप लोग यूजर नेम तो नीचे भी आप आईडी में भी सेम दे दो, ठीक। यहाँ पे अच्छी एक प्रैक्टिस रहेगी, आप इस तरह से करते रहने चीजों को, ओके। देखो फॉर्म कंट्रोल हमें पता है किस तरह से करना है हम लोग को, ओके। एक बात यहाँ पे कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया, ओके। देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि फॉर्म हाइफन ग्रुप वाला यहाँ पे नहीं यूज किया है इन लोगों ने, राइट। देखो यहाँ पे किया है क्या, नहीं किया है, ओके। तो डायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, पेस्ट कर लेते हैं, अरे चला गया आई थिंक वो, ओके यहाँ पे देखो इस तरह से किया, ओके ये वाला। और उसको लेने से क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा एक फॉर्म बना लेता हूँ मैं, हमको ये देखना है, ठीक है। अभी तक हमारा जो बाकी ये देखो एट द रेट कैसे आया, ये चीजें कुछ चीजें हम लोग को देखना है यहाँ पे, जो कस्टम फॉर्म्स है ना, कस्टम फॉर्म्स वो भी हम लोग को देखना है अभी तक। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। चलो मोबाइल नंबर ले लिया, टाइप हम लोग चाहे तो चेंज कर लो 91, अरे नंबर तो नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे, तो इस तरह से डालता, चलो ठीक है नंबर यहाँ पे इस तरह से देख लेते हमारा फॉर्म किस तरह से दिख रहा है। अभी छोटा सा फॉर्म है हमारा, एक बटन डालना भी रह गया हमारे से, वो भी डालेंगे। देखो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, राइट। अब क्योंकि ये देखो ये ऐसे ही आएगा अभी भी, बट हम लोग जिस टाइम इसको अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे फॉर्म हाइफन इनलाइन, तब ये देखना आप कैसा होता है, ठीक। बटन ले लेते हमारा लास्ट वाला बटन, जो बाकी यही से उठा लेता हूँ मैं बटन को भी, क्योंकि वही चीजें है तो सेम चीजें हम लोग बार बार करने में मतलब नहीं है ना, और जो चीजें हम लोग बार बार करते हैं उसे हम लोग बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, मतलब जो कोड हमेशा करना ही होता है हम लोग को। तो इसको कैसे हम लोग वो करते हैं, रिमूव करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये बार बार जो करने वाला काम है ना ये नहीं करते। वन ऑफ द पॉपुलर अभी जो लाइब्रेरी जो काफी ट्रेंडिंग में है रिएक्ट जेएस, ये लाइब्रेरी जो है ना ये काम हमारा आसान कर लेती है, ये चीजों को हम लोग को रीयूज करने का वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रिएक्ट जेएस, ठीक है। अभी चलते चलते मैं आपको बता रहा हूँ सर, जस्ट सिंपली नॉलेज के लिए। और देखो ये इस तरह से फॉर्म हो गया, राइट। अगर मुझे इस फॉर्म को करना है इनलाइन, ठीक, ये सिंपल सा फॉर्म है हमारा, ओके। अगर मैं देखो सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर्म हाइफन इनलाइन मारो यहाँ पे, सिंपल रिफ्रेश करो,
सिंपल है। देखो ये इतना सा चीज था, आई थिंक मैंने तो चलते चलते आपको बताया भी था, मतलब रनिंग में बताया था मैंने कि किस तरह से हम लोग करते हैं फॉर्म्स को इनलाइन। अब हम लोग क्या करते हैं इस पर थोड़ा ट्रायल करते हैं हमारे हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर वो क्लास लगाएंगे फॉर्म हाइफन ग्रुप वाला, देखते क्या फर्क पड़ता है कुछ इस पर। ऐसी चीजें करना चाहिए, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करो, सिर्फ जितना है उतना नहीं करना, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा करके देखना। अब जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब तो आप देखना मैं कैसे कैसे चीजें करता हूँ, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे मैं अलग अलग चीजें करूंगा यहाँ पे। क्योंकि देखो ये काम था सिर्फ उठाओ और यहाँ पे यूज करो, बट वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हमें लॉजिक बिल्ड करना है एक्चुअल में। देखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक, इसका मतलब यूज करने से कोई खास फर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट हम याद रखना है फॉर्म को इनलाइन करना है तो फॉर्म हाइफन इनलाइन यूज कर लेना डायरेक्टली, तो यहाँ पे रो की कुछ जरूरत नहीं है वैसे भी अगर मैं हटा दूंगा। देखो यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है रो की, बट वो हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसलिए मैंने यूज किया वहां पे, ठीक है। तो फॉर्म का आया समझ में किस तरह से फॉर्म को इनलाइन करना है, सिर्फ एक क्लास यूज करना है हमें फॉर्म हाइफन इनलाइन वाला, आप समझ जाएंगे। ओके हम लोग को तो ये देखना है कस्टम सिलेक्ट ये क्या चीजें होती है ना, थोड़ा सा आगे का लेवल है ये, मतलब जो हम लोगों ने अभी तक फॉर्म की चीजें यूज की थी ना थोड़ा सा आगे वाला लेवल है उसके, ताकि हम लोग को अच्छी तरह से आएगा। फिर हम लोग को वैलिडेशन भी देखना है, ठीक, वैलिडेशन भी आपको दिखाऊंगा मैं जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें यूज करेंगे वहां पे प्रैक्टिकली में, कि देखो यहाँ पे वैलिडेशंस हैं जो हमें देखना है अभी। ओके उसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अभी ऊपर चलते हैं हम लोग, कुछ बाकी के हमारा वो चेक कर लेते हैं एक बार। इनलाइन फॉर्म्स तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। ओके दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हम लोग किस तरह से इनलाइन फॉर्म, मतलब ये जो है ना एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो इन लोगों ने फॉर्म हाइफन रो यूज किया है ये क्यों किया है इन लोगों ने यूज। ओके तो ये हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। ये एलजी वगैरह तो आई थिंक हम लोगों ने देखा है ना, ये वाला एस एम वाला ऊपर देखा था आई थिंक हम लोगों ने उस दिन। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल तरीके से एक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। किसी का मैसेज आई थिंक यहाँ पे। ओके 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 ठीक, क्या करेंगे अभी इस रो को वैसे ही रहने देते हैं यहाँ पे, इस रो को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं अभी, और नीचे एक रो बना लेता हूँ मैं, ठीक यहाँ पे। और अभी मैं फॉर्म हाइफन इनलाइन यूज नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये जो रो है ना मैं डायरेक्टली इसी को देने वाला हूँ, और फिर हमारा ये हटा देता हूँ मैं, ड्यू क्लास मतलब जो सेकंड रो है ना हमारी वही हमारा फॉर्म है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले पता है, हमको पता है बूस्टर के अंदर ग्रिड का कितना है, कितने हम लोग साइज उसके दे सकते हैं, हम लोग इस तरह से ग्रिड है हमारी मान लो, तो वो हमें पता है 12 कॉलम का लेआउट होता है बूस्टर में, कितने 12 कॉलम, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कॉलम्स बनाएंगे, क्या करेंगे कॉलम्स बनाएंगे, मान लो ये कॉलम के अंदर इसको हम लोगों ने दे दी 4, ओके 4 4 4, ओके इस तरह से, या फिर 4 2 6 इस तरह से दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, जो भी रहेगा टोटल टोटल 12 आनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे अभी, ठीक है चलो ट्राई कर लेते कैसे करना है हम लोग को। तो रो हमारी बन चुकी है यहाँ पे, या फिर देखो मैं दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ कि उसमें गड़बड़ करना हम लोगों को, डायरेक्टली दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म ले लिया, ठीक है यहाँ पे तो हमारी ये वाली फॉर्म वाली रो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है पता है, इसको मैं कॉलम में डालूंगा, अभी क्या करूंगा कॉलम में डालूंगा। कैसे, हमें पता है 12 वाला, तो रो के अंदर कितने होते हैं 12 कॉलम्स हम लोग बना सकते हैं मैक्सिमम। देखो ड्यू डॉट कॉल, मीडियम स्क्रीन के लिए ब्रेक पॉइंट बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 3 के अंदर, ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक। अब जो दूसरा है उसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। देखो हमारा अभी मैं अब की बार यूज नहीं कर रहा हूँ फॉर्म हाइफन इनलाइन नहीं यूज कर रहा मैं यहाँ पे, कॉल MD मान लो यहाँ पे मैंने किया वापस से 3 3 और 3 6 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है 6 हो गए 3 3 6। ओके हम लोग को और कुछ लेना पड़ेगा ना, तो मैं वापस से 3 बना रहा हूँ, डी डॉट और हाइफन MD-3 एक्चुअली ऐसे में कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और फील्ड दे देंगे हम लोग, एक कुछ और फील्ड देना है हम लोग को अभी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं एज ले लेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है
यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मोबाइल की जगह हम लोग को यूज करना है एज। पहले कैसे दिख रहा है, अभी ये इतना ही किया हम लोगों ने, नहीं कैसे दिख रहा है इसको चेक कर लेते एक बार, रिफ्रेश। ओके देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये इसको लिया ना, इसलिए देखो तो ऊपर चला गया थोड़ा सा ये, यहाँ पे ये जो लेबल है ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि लेबल कहीं पे एस आर ओनली, मतलब स्क्रीन ओनली, ठीक है। देखो लेबल आपको कहीं पर नहीं दिखेगा, ये जो एज वाला लेबल है ना ये नहीं दिखेगा, देखो इसके ऊपर से अगर मैं इसको हटा दूँ ना ये क्लास को, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। एक मिनट इसको हटाना है मुझे, रिफ्रेश। देखो अब एज दिखेगा आपको यहाँ पे, ये कुछ वजह है उसकी, मैं आपको उस वजह के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। एस आर ओनली की यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो हमारे कितने हो गए, 9, 3, 3, 3, 9 हो गए, और हमें चाहिए 3। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसी को मैं डाल देता हूँ किसी एक कॉलम में, बटन को भी चाहिए ना कुछ ना कुछ स्पेस। ऑल हाइफन एमडी रिफ्रेश, और साथ ही में एक और बटन इसी के नीचे डालता हूं मैं, और यहाँ पे हमें देना है रिसेट। ये एक लाइन में भी आ गया, ये वाला भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया गया, फॉर्म हाइफन इनलाइन नहीं यूज किया, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रो यूज किया। बट एक डिफरेंस है इसमें, एक्चुअल में इन लोगों ने क्या कहा, आई थिंक कुछ लोग लेफ्ट हो गए ना, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी इसमें एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग इस गटर को देखो, इसको एक्चुअली गटर बोलते हैं, हम लोगों ने देखा था पहले भी जब मैं आपको ग्रिड बता रहा था, इसको गटर बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे गटर को। तो इसका जो है ना डिफरेंस थोड़ा सा है यहाँ पे, जब हम लोग ये यूज करते हैं ना तो यहाँ पे ज्यादा ही ये आ जाता है यहाँ पे स्पेस, क्योंकि इन लोगों ने वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, मेंशन की है कि व्हाई वी यूज फॉर्म हाइफन रो क्लास, हम लोग क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्म हाइफन रो जो क्लास है ना ये क्यों यूज करेंगे हम लोग वहां पे, इसकी वजह है, नॉर्मली रो यूज करने की एक वजह है, और पूरा तरीके से फॉर्म के अंदर हम लोग जो कॉलम लेआउट यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखी यहाँ पे कि मैंने सिर्फ एक लाइन में लिया है, अगर मैं इससे ज्यादा जाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा, हमें पता है ये बात। जैसे कि मैंने अगर एक दो फील्ड बढ़ा लिए, और भी देखो मान लो मैंने ऐसे फील्ड बढ़ा लिए और एच की जगह पे हम लोग ले लेते हैं आधार, ओके, और रेंज की जगह पे हम लोग नम टेक्स्ट ले लेते हैं, सिंपल टाइप टेक्स्ट। फॉर्म कंट्रोल रेंज की हटा देता हूँ, ऐसे फॉर्म कंट्रोल रखता हूँ सिंपल, रिफ्रेश किया मैंने, देखो अभी यहाँ पे आया बटन, यहाँ पे आया, ठीक है। वैसे अभी अगर मैं कुछ ज्यादा चीजें बढ़ा लेता हूँ ना, अभी मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपका एक तरीका ये है कि आप रो बनाओ, आपको अगर कुछ फॉर्म इस तरह से बनाना है, मान लो देखो मैं अभी डिजाइन बना के दिखा था आपको, आपको अगर फॉर्म इस तरह से चाहिए कि आपका ये फॉर्म हो, ठीक, आपके फॉर्म में यहाँ पे देखो नेम हो, ओके, और यहाँ पे आपका हो लास्ट नेम, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो ईमेल, और ये आपके आपका मोबाइल नंबर, ठीक, और आपको यहाँ पे चाहिए कुछ टेक्स्ट एरिया, ओके, जाके मैसेज टाइप कर सकूं, और यहाँ पे आपका होना चाहिए बीच में हो या फिर कहीं पे भी हो, आई थिंक बीच में सही रहेगा, ठीक, इस तरह से एक बटन होना चाहिए। तो आपको इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, आप कॉलम लेआउट यहाँ पे आराम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक। देखो हर फॉर्म को, पूरे फॉर्म को आप डिवाइड करो रोज में, ये चार रोज हो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो इस तरह से आप उसको करो, ओके, यहाँ पे देखो दो कॉलम है, मान लो आप 6-6 का बना लो, 6 और 6 का, ठीक, नीचे भी 6 और 6 का बना लो, ठीक है, इस वाले रो में, और ये रो में आप 12 दे दो, ओके, और ये रो में आप फिर से 12 दे दो, देखो कितने आसानी से आप बना सक पाओगे इस तरह से। अभी ये आप ट्राई करना इस तरीके का फॉर्म विथ ग्रिड के साथ में, ठीक है। बट अभी मैं आपको फायदा दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में जब हम लोग नॉर्मल रो क्लास के साथ में काम करते हैं ना, तो थोड़ा गटर में जो फर्क होता है, ये जो गटर यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ये वाला यहाँ पे देखना आप लोग, क्योंकि इसी की जैसा मैं अभी नीचे कॉपी करने वाला हूँ, जहां पे मैं यूज करूंगा हमारा फॉर्म हाइफन रो क्लास। चलो दोनों में डिफरेंस आपको वैसे ही समझ में आएगा। देखो नीचे और एक कंटेनर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कंटेनर, ओके, और सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आया के पहले सबसे पहले एक हम लोग हॉरिजॉन्टल रो दे देते इसके बीच में, इसके लिए भी क्लास है, ओके, देखो यहाँ पे इतना क्लियरली फिर भी नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर बॉर्डर डेंजर, ओके, ठीक। अब नीचे वाले को मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ, बॉर्डर
बॉर्डर बॉर्डर सक्सेस, ताकि हमारा फॉर्म पता चले। ये जो ग्रीन कलर में है ना, इसको पैडिंग भी दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर वाले को भी हम लोग लेते यूज कर लेते E/3। ओके, यहाँ पे दोनों भी फॉर्म है बट एक फॉर्म हमारा अलग है, मतलब एक फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल लिखता हूँ प्रो क्लास, और जो दूसरा है हमारा इसको हम लोग क्लास लगाएंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और डिस्प्ले 2 की जगह हम लोग करेंगे 3, तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया ना, 4 5 आई थिंक हमारे पास नहीं था ना, ओके 5 भी है हमारे पास आई थिंक, या फिर नहीं है, मैं भी भूल गया कुछ क्लासेस में, मैं भी इतने याद नहीं रखता क्लासेस को, देखो नहीं आई थिंक हमारे पास, तो चलो ठीक है बढ़िया। ये रो क्लास हम लोग ऊपर यूज किया, और जब हम लोग नीचे यूज करेंगे अभी तो हम लोग इस रो क्लास को हटाएंगे और हम लोग यूज करेंगे वहां पे फॉर्म हाइफन रो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपको डिफरेंस इतना दिखना है यहाँ पे, ये जो गटर का एरिया है ये वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। देखो अभी मैं यूज कर लेता यहाँ पे फॉर्म हाइफन रो, ठीक फॉर्म हाइफन रो यूज किया मैंने, हाँ रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखो आपको ऊपर ज्यादा स्पेस दिखेगा यहाँ पे इस गटर में, और यहाँ पे नीचे देखो एकदम छोटा सा स्पेस दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा फायदा है हमारा इसमें, ताकि हम लोग जब ये यूज करें ना तो ये खास करके इसके लिए बना है। देखो यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ, यू मे ऑल्सो स्वैप डॉट रो फॉर डॉट फॉर्म रो, मैंने इसलिए कहा कि आप लोग को जब भी टाइम मिले ना तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हमारे इस वीडियोस में कि टोटली एक एक लाइन पढ़ लेना ना, तो आप लोग को ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ इन चीजों से और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, बट एट द एंड आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जब तक खुद का टाइम नहीं दोगे ना, खुद का टाइम जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे चीजों में तो कुछ फायदा नहीं उसका, मतलब कंप्लीट होने में। यहाँ पे देखो अभी रिफ्रेश किया हम लोगों ने, ओके अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, तो क्या करेंगे अभी मैं आपको कस्टम बताता हूँ, जो कस्टम हमारे फॉर्म है उसके बारे में देख लेते हैं। एक फाइल बना लेता हूँ मैं, कस्टम फॉर्म custom-form.html, ठीक इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से अलग तरीके के फॉर्म बनाएंगे अभी। हो गया सब कुछ, आप हमारी बूटस्ट्रैप भी लिंक हो चुकी है 4.6 वाली, हम लोग को 5 की तरफ जाना है, इसलिए आप लोग, मैं तो नहीं कहूंगा आप लोग डेली वो करो ज्वाइन करो सेशन को, 4.6 चल रहा है हमारा अभी से, 5 का इंट्रोडक्शन भी देना है, कुछ नए क्लासेस आए वहां पे उसको भी देखना है हमें, फिर कंटेनर बना लेते हैं जल्दी से हम लोग। पूरा खत्म ही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये फॉर्म का बहुत दिनों से चल रहा है ना हमारा, इसको खत्म कर लेना, मतलब इसको पूरा कर लेते हैं। ओपन कस्टम फॉर्म, ओके यहाँ पे अभी देखो मैं कस्टम फॉर्म्स होते गए, वो पहले इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिजाइन आपको अलग दिखेगा यहाँ पे चीजों में, और कुछ क्लासेस हमें यूज करने, कस्टम फॉर्म्स ओके यहाँ पे देखो कस्टम फॉर्म्स, तो ऊपर देखो फॉर्म ओवर कस्टमाइजेशन एंड क्रॉस ब्राउजर कंसिस्टेंसी यूज अवर कंप्लीटली कस्टम फॉर्म एलिमेंट्स टू रिप्लेस द ब्राउजर डिफॉल्ट्स, they are built on top of semantic and accessible markup, ठीक है दिखाता हूँ मैं भी आप लोगों को कैसे होते हो। स्मूथ होते उससे जो हम लोगों ने अभी तक यूज किया ना उससे थोड़े से स्मूथ होते वो अच्छे लगे मुझे यूज करने में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो थोड़ा सा शेडो वगैरह आती, देखो यहाँ पे देखो पीछे से ग्लो हो रहा है ना, तो उसके लिए क्लासेस है। देखो सबसे पहले हम लोग को अगर चेकबॉक्स बनाना है ना तो यहाँ पे देखो एक क्लास है कस्टम कंट्रोल हमें यूज करना है, जैसे हम लोग पहले यूज करते थे फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे कस्टम कंट्रोल कस्टम चेकबॉक्स, ठीक इस तरह से कुछ ज्यादा ही क्लासेस है बट ठीक है आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो हम नीचे आना है, देखो यहाँ पे देखो चेकबॉक्स कस्टम कंट्रोल इनपुट इसको लगाना है हमें, उसके नीचे आओ लेवल के लिए देखो कस्टम कंट्रोल लेवल ये हमको यूज करना है, ओके यहाँ पे भी देखो इस तरह से देखो कुछ मतलब अच्छे खासे हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको एक चीज बता दो सबसे पहले कि जेक्वेरी क्या है, जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की,
मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग काम चार लाइन में करते थे, यहाँ पे एक लाइन में करते हैं जेक्वेरी में। बट हम लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा नहीं है ना, तो टोटली आइडिया आपको नहीं होगी उस चीज की। बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग देखने वाले कुछ ही दिनों में। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म बनाने की ट्राई कर लेते हैं अभी। देखो एलिमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैं ड्यू लेने वाला हूँ, ड्यू डॉट हम लोग को यूज करना है कस्टम कंट्रोल, कस्टम आईफन कंट्रोल। आपको नीचे चेंज दिखाई देगा, इसमें इतना नहीं आपको समझ में आएगा ना, पिछले वाले एलिमेंट का कस्टम कंट्रोल इस तरह से लिया, ठीक। एक डिवीजन टैग लिया हम लोगों ने कस्टम कंट्रोल, ये लगाना है हम लोग को, ओके। इसके बाद लगाना है कस्टम चेकबॉक्स, क्योंकि हम लोग चेकबॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। देखो इनपुट फील्ड हमारा जो नॉर्मली होता है इनपुट फील्ड वैसी ही है, ये वाला देखो इस तरह से चेकबॉक्स टाइप है, और कस्टम कंट्रोल इनपुट लगाना है इसके ऊपर। याद होगा मैं फॉर्म कंट्रोल आपको बताया था इसके पहले भी, तो वैसे ये भी थोड़े क्लासेस अलग है, बट ये आईडी तो हम लोगों ने दे दी यहाँ पे। नीचे लेबल हम लोग लेबल, इसमें लेबल को कौन सा क्लास देना है हम लोग को, क्लास को कस्टम कंट्रोल लेबल, आई थिंक कंट्रोल लेबल या फिर इनपुट लेबल, दोनों में से एक रहेगा। ओके कंट्रोल लेबल है, राइट, कस्टम कंट्रोल लेबल, ओके। फॉर हम लोग यूज करें तो अच्छी बात है, और मैं तो हम लोग आप लोग हमेशा बोलता हूँ कि इसको यूज करना, और एक लिंक लग जाती है हमें कस्टम चेक वन, ओके। जो भी नाम सेम रहेगा आईडी का इसको दे देना। लेवल में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लो आप यूज कर रहे देखो थोड़ा सा आपको फर्क दिखाई देगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें, ओके। और ये जो नॉर्मली था हमारा जिसे पहले हम लोगों ने यूज किया था, देखो इस फॉर्म में हमारा उस दिन वाले फॉर्म का ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें देखो थोड़ा सा आप लोग फर्क क्या है, थोड़ा पता चल जाएगा आपको यहाँ पे थोड़ा फर्क है इसमें। देखो ये हमारे नॉर्मली चेकबॉक्स थे पहले के, देखो इसके पीछे ग्लो नहीं हो रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो ये नॉर्मल है। देखो यहाँ पे मैं आपको कंपैरेटिवली दिखाता हूँ, जैसे कि इसको मैं कट ही कर लेता हूँ यहाँ से, इधर पे लाके डाल देता हूँ उसको। अब देखो यहाँ पे दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये दोनों में फर्क है, ओके। ये जो है ना हमारा ये जो पहला वाला है ये हमारा कस्टम है, कस्टम फॉर्म वाला, और ये जो हमारा ये पहले वाला ये फॉर्म कंट्रोल वाला, ठीक। फर्क दिखा है आपको सबको, देखो इसका क्लिक करने में भी फर्क है दोनों के, जैसे इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ साइड से, देखो थोड़ा स्मूथनेस आ रही है इसमें, और ये जो है ना ये इतना अच्छा नहीं, मतलब एक नॉर्मल ही है, ये वाला भी अच्छा है बट इतना नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। सो अपने को ऐसी चीजें मिलेगी यहाँ पे, अभी कंपेरेटिवली अपने को यहाँ पे यूज करना है चीजों को, ये ड्रॉइंग्स, ओके। इसको मैं करते हूँ कमेंट करने की जरूरत है, रहने दो इसको, चलो दूसरा कुछ देखते हैं अभी आगे का। आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं, देखो ये रेडियो का, देखो रेडियो भी वैसे की वैसी है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस, आपको कस्टम रेडियो लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, कस्टम रेडियो, ओके। और यहाँ पे देखो कस्टम कंट्रोल इनपुट ये तो सेम रहेगा, नीचे देखो कस्टम कंट्रोल लेबल, मतलब ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट एक चीज चेंज करनी है आपको, क्या करनी है देखो, इसी की जैसा रहेगा वो भी आपको क्या करना है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, चलो देखो ड्यू डॉट कस्टम कंट्रोल लगाया सबसे पहले, ये भी सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है, कस्टम फॉर रेडियो लगाना है हम लोग, सिर्फ लेना है हम लोग को जिसका क्लास लगाना है कस्टम कंट्रोल इनपुट, हमारा जो टाइप रहेगा वो हम लोग को करना है रेडियो, टाइप है रेडियो हमारा रेडियो, ओके। और जो आईडी है हम लोग को वो देना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे आईडी मेल, या फिर आप चेक बॉक्स दे दो, सॉरी रेडियो वन दे दो, रेडियो वन। नीचे लेबल लेना है हम लोग को, लेबल, लेबल के ऊपर लगाना है हम लोग को कस्टम कंट्रोल लेबल, ठीक है, यहाँ पे इतना सिंपल है, जैसे आप मेल लिख दो यहाँ पे मेल, फर्क है इसमें वो भी दिखाई देता हूं मैं आपको, दोनों के रेडियो बॉक्स में मतलब जो पहले यूज करते थे और इसमें फर्क है, इसलिए हम लोग को ये यूज करना है, बट ये अच्छा लगा मुझे, ये देखिए ये काफी बेटर लगा मुझे, तो रिफ्रेश किया मैंने, ये इनका अभी जो हम लोग कस्टम यूज कर रहे हैं ना उसका है, ये देखो यहाँ पे देखो कैसे ग्लो हो रहा है साइड से और स्मूथनेस है ज्यादा इसमें, बट जो दूसरा था हमारा उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसके नीचे जो हम लोग उस दिन यूज किए थे वो फॉर्म कंट्रोल में, उसमें जो हमारा रेडियो बटन था उसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखा है, इसलिए मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ उसको। नीचे यहाँ पे देखो
ये उनका मतलब ये जो पहले यूज किया ना हम लोगों ने फॉर्म हाइफन चेक वाला, और देखो फॉर्म चेक इन कंट्रोल चेक इनपुट वाला, और अभी एक कस्टम कंट्रोल इनपुट वाला, ठीक है, फर्क दिखेगा आपको। देखो एक एकदम सिंपल दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर देखो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ, इनको कॉलम्स में रखता हूँ मैं अभी, नहीं तो वरना फिर गड़बड़ हो जाएंगे यहाँ पर। तो रो को डायरेक्टली मैं इसमें यूज कर लूँ लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ड्यू को भी हटा देता हूँ, हमारा फॉर्म को हम लोगों ने रो बना लिया, और उसके अंदर अभी हम लोग कॉलम बनाएंगे। ओके, मैं चेक बॉक्स को अलग कॉलम में रखता हूँ, ड्यू कॉल हाइफन एमडी, ऐसे ही हम लोग कस्टम के और इसका कंपैरिजन देखते चलेंगे। एक बार मैं इसको ये कर लेता हूँ, हम लोग को अभी वीएस कोड पे शिफ्ट होना है, क्योंकि इसमें अभी हमारा जैसे जैसा कोड ज्यादा बड़ा होता जाएगा ना, इतना मुझे नहीं लगता इतना फॉर्मेट वगैरह कर पाता ये सही से। इतना वीएस कोड काफी अच्छा है इसके कंपेरिजन में, बहुत अच्छा है इससे भी। नीचे चलते अभी, चलो यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ मैं फिर से, ड्यू डॉट कॉल एमडी, अभी हम लोग को इनपुट देखना है। यहाँ पे आ देखो, अभी इनलाइन ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये डिजेबल वगैरह करने के लिए वही है। देखो यहाँ पे कंट्रोल इनपुट कस्टम कंट्रोल डिजेबल यूज किया है लोगों ने, देखो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये पहले भी, वैसे ही सेम टू सेम है, और फर्क नहीं कुछ। नीचे देखो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नई चीज है हमारे लिए, ठीक। ये जो स्विच दिख रहा है हमें, ये देखो ये वाला ये स्विच जो है ना, ये कैसे करते हैं हम लोग को ये देखना है। तो इसको बनाने के लिए देखो हमें वैसे ही करना है, वैसी ही चीजें फॉलो करनी है, बस एक फर्क है यहाँ पे। क्या फर्क है? एक फर्क है, कस्टम हाइफन स्विच लगाना है हमें। ओके, वैसे ही रहेगा वो, देखो जैसे कि ड्यू डॉट कस्टम हाइफन कस्टम हाइफन कंट्रोल डॉट कस्टम लगा लिया। देखो यहाँ पे इस तरह से कस्टम कंट्रोल और कस्टम स्विच, और वही चीज हमको लगानी है चेक बॉक्स। यहाँ पे ये देखो वही है ना, सेम टू सेम। देखो चेक बॉक्स आईडी आप यूज करो, यहाँ पे स्विच वन डालो, यहाँ पे स्विच वन डालो, लेबल डॉट कस्टम लेबल लाइट, इस तरह से लिखता हूँ लाइट, या फिर डार्क मोड होता है ना वहां पे, याद होगा आपको डार्क मोड। काफी साइट के ऊपर आई है फंक्शनलिटी, हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई करते हैं उसको। डार्क मोड है ये हमारा कस्टम कंट्रोल लेवल हो गया, ये जो है यहाँ पे फॉर यूज कर लेता हूँ, फॉर स्विच वन, देखते कैसे दिख रहा है ये। रिफ्रेश, यहाँ पे देखो स्विच आपको दिखेगा, कोई काम भी कर रहा है सही से, ये हमारा है, ठीक है, यूज कर सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और बाकी चीजों में भी आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये। ओके, इसके पहले हमारे फॉर्म चेक वगैरह में नहीं था ये, हमको नहीं था ना वहां पे। ओके, मेन्यू देखो यहाँ पे, मतलब हमारा जो सिलेक्ट बॉक्स है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क है, जो हमारा नॉर्मली पहले वाला सिलेक्ट बॉक्स जो था ना, उसमें ये देखो ऐसे नहीं आता था, ये जो एरे ना वैसे नहीं दिख रहा था। देखो यहाँ पे हमें कस्टम सिलेक्ट लगाना है सिंपल। देखो इसको मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अभी फिर से बनाने में इसको वक्त लगेगा थोड़ा सा। और MD4 यहाँ पे देखो, क्योंकि एक ही क्लास यूज किया ना, इसलिए मैंने फिर से नहीं बनाया इसको। देखो कस्टम हाइफन सिलेक्ट दिया हम लोगों ने। ओके, और जो पहले हम लोग बनाते थे बीएस फॉर्म, मतलब जो पहला वाला हम लोगों ने सिलेक्ट बॉक्स बनाया था, यहाँ पे बनाया था आई थिंक हम लोगों ने कहीं पे। ओके देखो, ये फॉर्म हाइफन ग्रुप हम लोगों ने यूज करके यहाँ पे बनाया था, फॉर्म हाइफन कंट्रोल देता थे हम लोग पहले इसको, बट यहाँ पे ये कस्टम वाले काफी बेटर है उससे। देखो दोनों में फर्क आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो फर्क आपको दिखाई देगा कि देखो उसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों भी ये, बट क्या फर्क है देखो, इसमें एक एरो दिख रहा है और उसका एक नीचे वाला दिख रहा है, इतना खास नहीं दिखता है, बट ऊपर देखो यहाँ पे ये दो एरो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट इसका और क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखो, अगर छोटा करना है आपको, मतलब लार्ज वाला करना है, तो उसके लिए कस्टम सिलेक्ट एलजी लगाना है हम लोग को सिंपल। ओके, स्मॉल वाला करना है तो एसएम लगाना है। दिखा, कॉपी करो, मैं तीन बार इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दो और तीन, और इसी के साथ में आपको क्या लगाना है, कस्टम सिलेक्ट एलजी। मान लो आप लगाया कस्टम सिलेक्ट, आपने लगाया एलजी, इससे ये लार्ज दिखेगा,
और एस एम लगाना है आपको तो स्मॉल लगाने का, फिर यहाँ पे एस एम लगा देने का सिंपल। पेस्ट किया यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे एल जी की जगह पे एस एम लगा दो सिंपल, यहाँ पे आप रिफ्रेश किया हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं क्या कर लेता हूँ अभी इसको, हम लोग इसको थोड़ा सा चिपक गया वो ना, इसको यहाँ पे देखो करके देते, और फर्क क्या है, एक लार्ज दिख रहा है हमें, एक मीडियम है ये वाला, और ये हमारा स्मॉल वाला, तीनों में फर्क है। अब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको आज एडी करेंगे हम लोग फॉर्म को। मल्टीपल ये आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं बताया, हम लोग जब नॉर्मली सिलेक्ट बॉक्स भी बनाते हैं ना, तो अगर हम लोग एट्रीब्यूट दे देना इसको यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट अगर दे दें हम लोग इसको, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे अस्यूम करेगा कि मल्टीपल हम लोग को सिलेक्ट करना है ऑप्शन, ये जो है ना ऑप्शन, देखो आप कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 इस ऑप्शन में, मतलब इतने सारे इसमें से आपको सब सिलेक्ट कर, आप कंट्रोल यूज करके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इसकी दो ही दिखाई दे आपको, दो ही दिखाएगा आपको, देखो यहाँ पे ये दो दिखाएगा, फिर आपको स्क्रोल अंदर आएगा इस तरह से, ये होता है यहाँ पे, आप कोई भी इसके साथ में लगा सकते हो मल्टीपल। रेंज देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है रेंज के अंदर, हम लोगों जो नॉर्मली रेंज यूज की थी जस्ट ही अभी पिछले वाले फॉर्म में, तो वो रेंज अलग थी, ठीक है, बट यहाँ पे रेंज कुछ अलग है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कॉल हाइफन एमडी हम लोग लेते थे, यहाँ पे देखो रेंज बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लेबल लेना है हम लोग को, लेबल जो नॉर्मली लेते हैं हम लोग, लेबल लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल, और उसके नीचे देखो हमें क्या लगाना है, कस्टम रेंज लगाना है, सिर्फ इतना ही क्लास यूज करना है हमारी रेंज के ऊपर। अब मान लो इनपुट बनाया आपने, इनपुट के अंदर आपने दे दिया रेंज, और यहाँ पे कुछ नाम दे दिया आपने, मान लो एज दे दिया, और आपको क्लास लगाने का सिंपल इस तरह से कस्टम हाइफन रेंज लगाना है, ओके। ये रेंज में और वो रेंज में फर्क है, वो भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। रिफ्रेश किया, देखो ये वाली रेंज में देखो एक पॉइंट आ रहा है सिंपल सा, और आगे पीछे हो रहा है, स्मूथ लग रहा है थोड़ा सा, बट वो जो है ना वो वाली रेंज वो अलग है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, फॉर्म हाइफन अभी यूज है हमारे पास, हम लोगों ने यूज किया था ना पहले भी, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। चले गए रेंज हमारी, रेंज ओके यहाँ वाला है, दोनों में फर्क है एक्चुअली, रिफ्रेश देखो दोनों में फर्क क्या है, देखो इस तरह से इसमें सिर्फ एक ही डॉट आ रहा है यहाँ पे देखो, बट इसमें देखो कितना सारा ओके। ये थोड़ा सा है कस्टमाइज, ऊपर वाली कस्टम रेंज है, डालता हूँ ना ऊपर कस्टम रेंज, देखो ऊपर वाली, और ये हमारा अलग एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे कुछ एलिमेंट है कस्टम के, और क्या है नीचे, और क्या है यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो फाइल के लिए काफी अच्छा लगता है ये जो यूज करने के लिए ना बेटर लगता है ये वाला, हम लोग पहले यूज किए थे फाइल का, अभी हम लोगों ने पहले कैसे करा था यूज मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल एमडी मान लो हम लोगों ने 4 किया वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं कि पहले हम लोग जो यूज करते थे फॉर्म का फाइल के लिए, देखो ऊपर ये वाला यूज करते थे फॉर्म हाइफन कंट्रोल फाइल, बट अभी जो है हमारा कस्टम वाला वो इससे बेटर है। देखो पहले वाला ऐसे थे कुछ, रिफ्रेश करो यहाँ पे देखो इस तरह अपलोड आधार कार्ड, ये इस तरह आता था, ठीक है नॉर्मली दिख रहा है, बट अभी वाला जो हम लोग यूज करेंगे ना वो इससे बेटर है। वो देखो मैं दिखा था आपको ड्यू डॉट, देखो यहाँ पे देखना आपको सिंपल आना है कस्टम फाइल, सबसे पहले क्या लगाना है ड्यू के अंदर कस्टम फाइल लगाना है हमें, ड्यू डॉट कस्टम फाइल, कस्टम फाइल लगा लिया हम लोगों ने, वही सिंपल इनपुट बॉक्स देना है हमें, इनपुट फाइल, और इसका नाम दे दो आप कुछ भी, मान लो प्रोफाइल देता हूं मैं यहाँ पे प्रोफाइल दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग दे दे हैं कस्टम फाइल इनपुट, देखो कस्टम फाइल इनपुट देना है हम लोग को यहाँ पे, मान लो हम लोगों ने दिया क्लास फाइल, या फिर आप प्रोफाइल दे दो प्रोफाइल पिक, और लेबल देना है हम लोग, लेबल है ना आई थिंक, देखो लेबल है नीचे चूज फाइल, ये जो आ रहा है ना इसके ऊपर लेबल ये वाला, ठीक है लेबल यहाँ पे आया ऐसे कि अपलोड प्रोफाइल पिक, मुश्किल था पिक नहीं क्या हमें, देखो यहाँ पे देखो क्या लगाना है कस्टम फाइल लेबल, थोड़े क्लासेस चेंज होते हैं यहाँ पे, इस पर ध्यान रखना है हमें सिंपल और कुछ नहीं, बट दोनों में फर्क देखो कितना अच्छा लगेगा, नीचे वाला जो है ना ये काफी बेटर लगेगा देखो इसके कंपेरिजन में, ये हमारा ओल्ड वाला था, ये जो है ना हमारा ओल्ड वाला था फॉर्म वाला हाइफन वाला फॉर्म हाइफन कंट्रोल फाइल, बट ये जो है ना कस्टम वाला ये बेटर लगता है मुझे तो हमेशा से, यहाँ पे इतना सिंपल है ये, और थोड़ा बहुत क्लासेस का आपको याद रखने में मुश्किल होगी,
बट क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब जो है हमारे पास हम लोग को करना है नेक्स्ट एलिमेंट, नीचे आते हैं, एलिमेंट खत्म हो गया ना, इतनी ओके इतने ही देखो यहाँ पे, देखा आप लोगों ने इतने ही है यहाँ पे, हम लोगों ने सब कुछ देखा है वैसे तो, यहाँ पे कस्टमाइज देखा, रेडियोज भी देखा, बटन भी देखा, कस्टम फॉर्म्स भी देखे हम लोगों ने, स्विचेस भी देखे, सिलेक्ट मेन्यू भी देखा। ये जो पार्ट है अभी SCSS, ये आपको बताने के अभी तो हम लोग कंडीशन में नहीं है कि आपको बता सके ये पार्ट, क्योंकि हम लोग को SCSS सीखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ओके आया समझ में, ये जो फॉर्म का था हम लोगों ने इसको एंड कर दिया, अभी फॉर्म का हमारा कुछ बाकी तो नहीं है, वैसे हमारे कुछ एलिमेंट्स बाकी है अभी तक भी, जैसे देखो ये मॉडल है, ये हमें देखना है अभी तक मॉडल कैसे बनाना है हम लोग को, ये मॉडल्स देखो यहाँ पे थोड़ा इसको देखो इस तरह से लॉन्च डेमो मॉडल, देखो यहाँ पे इस तरह से जो मॉडल्स आते हैं ना वो कैसे आते हैं वो हम लोग को देखना है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या लिंक होती है उसके लिए और कैसे वो काम करते हैं। ब्रेड क्रम हम लोगों ने देखा था, लिंक ओके, ये ब्रेड क्रम तो हम लोगों ने देखा है, बटन ग्रुप भी देखा है, बटन भी देखा है, बैजेस देखा क्या हम लोगों ने, बैजेस देखो ये बैजेस जो होता है ना सिंपल, देखो ये जो न्यू आ रहा है ना ये लिख के यहाँ पे, ये बैच होते हैं एक्चुअली, आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, आप लोगों ने देखा देखो इस तरह से नोटिफिकेशन आ रहा है, ये जो फोर दिख रहा है ना इसके अंदर, इसके आसपास देखो थोड़ा सा आपको एरिया अलग दिख रहा है, तो ये होता है बैच, इसको बोलते हैं बैच, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे इस बैच को, इसको बनाने का तरीका एकदम सर सिंपल है, आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी HTML के एलिमेंट पे अगर आप क्लासेस यूज करते हैं बैच, और बैच के साथ में उसका कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो वो हम लोगों ने अगर लगा लिया ना उसके पीछे, तो ये बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से प्रोफाइल लाइन होता है आपके साथ में, काफी जगह पे होगा ये, तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं सबसे पहले कि कितने सारे कलर्स इसमें हमें अवेलेबल होते हैं और इसका फायदा क्या है और किस तरह से होते हैं, मतलब देखो यहाँ पे इनके जो टाइप्स है, देखो पिल जैसे, देखो कैप्सूल जैसे दिख रहा है, लिंक्स देखो ये बैच विद लिंक, इतने ही देखो, तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी एंड कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें ये, उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, बैच batches.html, फॉर्म की हम लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि फॉर्म ऐसा एलिमेंट है जो हर मुझे लगता है कि काफी वेबसाइट में हम लोग यूज करते हैं, मतलब रियल टाइम में बहुत यूजफुल होता है फॉर्म, तो जितना अच्छा, और आपको कई जगह पे आपको टास्क भी दिया जाएगा, किसी ने दोपहर में सेंड किया था टास्क, आई थिंक किसी कंपनी का टास्क था या फिर मुझे पता नहीं, बट मुझे किसी ने सेंड किया था, उसमें एक सिंपल सा फॉर्म था, आप लोग इजीली बना पाओगे, बट क्या होता है कि प्रैक्टिस उसके लिए जरूरी होती है, आप देख के डर जाते हो डिजाइन को, जो भी पर्सन था मुझे भेजा था वो डर गया था आई थिंक डिजाइन देख के, इतना सिंपल होता है, मतलब आप लोग अगर उसको डिवाइड करो ना, मान लो आपको कोई फॉर्म देता है निकालने के लिए, फॉर्म आपको देता है इस तरह से बनाने के लिए, कितना भी मुश्किल फॉर्म हो कितना भी बड़ा हो, तो आप उसको डिवाइड करो, पहले उसके बारे में सोचो 5 मिनट कि उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का कॉलम किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, उसमें किस तरह से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी फील्ड कैसे हम लोग अटैच कर सकते हैं, बाद में आप लोग एक एक चीज लगाओ, पहले उसका लेआउट सेट करो फॉर्म का, उसके बाद में उसके ऊपर आपकी जो CSS होगी जो आप लोग बनाएंगे बाद में, आप लोग अप्लाई करेंगे, कलरिंग होगी जो भी होगा बाद में अप्लाई करेंगे, पर थोड़ा सोचो पहले कि कैसे हम लोग को लेआउट सेट करना है, वरना फिर इंसान देख के डर जाता है कि यार ये फॉर्म इतना डेंजर है कैसे आएगा, होता सिंपल है क्योंकि आपको पता सब कुछ है, बट होता क्या है जब हम लोग यूज करते हैं चीज को कभी भी, मतलब हमें चीजें पता होती हैं बट हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग डेली उसका यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उतना, तो याद रखना कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा, और मैं तो आप लोगों को एक मिनट रुको मैं माइक बंद कर लेता हूँ। देखो हम लोग को अभी देखना है बैजेस, तो ये कैसे बनाना है हम लोग को, तो देखो मैंने जैसे कहा हम लोगों ने लिंक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आओ आप लोग यहाँ पे कंटेनर यूज करो, मैं मोस्टली यूज करता हूँ तो मैं कंटेनर यूज कर लेता हूँ सबसे पहले, तो स्पैन टैग लिखो या फिर कोई भी टैग ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है स्पैन ले लो या फिर कोई भी ले लो, अगर मुझे इसको बैच बनाना है, मान लो उसमें कुछ लिखा 5 लिख दिया, ठीक मुझे बैच बनाना है, ठीक पहले इसको ओपन करके देखते हैं कैसे दिख रहा है, ओपन इन ब्राउजर, देखो यहाँ पे सिंपल सा फाइल दिख रहा है इधर पे, मैं क्या कर लेता हूँ ऊपर हेडिंग दे देते हैं हम लोग डॉट
इस फाइल को हम लोग को बैच बनाना है, बैच बनाना है मतलब कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कुछ इस तरह से दिखे, देखो ये वाला जो नोटिफिकेशन के अंदर दिख रहा है वैसे दिखे कुछ, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल क्लास लगाओ आप इसके ऊपर, क्लास कौन सी लगानी है हम लोग को, बैच, बैच नाम की क्लास लगाओ, ओके। इतना करने से आपका काम होगा या नहीं होगा, देखो चेक चेक कर लेते हैं हम लोग पहले, मुझे नहीं लगता, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आओ और इधर पे आओ, हमारे रिफ्रेश कर लो, इसका फॉन्ट पे इफेक्ट हो गया, थोड़ा फॉन्ट पे फर्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो इस तरह से बन गया ये, बट इसके जो अंदर है ना हमें अभी कलर लगा रहे हैं, मतलब इसका बैकग्राउंड दे रहे हैं, बैच हाइफन, यहाँ पे देखो कितने सारे कलर है, पहली बात तो यहाँ पे देखो जिस तरह से बटन्स पे कलर थे ना वैसे यहाँ पे कलर है, देखो सेकेंडरी प्राइमरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इन्फो लाइट डार्क, हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से, बैच हाइफन डार्क, ये जो है इसको यूज करके देखते हैं यहाँ पे, बैच हाइफन डार्क, देखो कैसे दिखता है अभी तो दिखा देता हूँ, रिफ्रेश, देखो ये कैसे बना, देखो यहाँ पे फाइव, देखो इसको ठीक है, ऐसे ही हम लोग लेते हैं, मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, लिया हम लोगों ने इसको, लाइट लेता हूँ देखो मैं, सिर्फ इतना ही चेंज करना है, आपको दोनों क्लास लगानी है, लाइट लिया हम लोगों ने यहाँ पे, मैं लेता हूँ वार्निंग, इन्फो इन्फो लेते हैं, लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं सक्सेस, देखो इतने सारे बैच बने, देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बात कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, के अंदर हम लोग लगा लेते हैं यूज कर सकते हैं वैसे तो हम लोग, ठीक है, बट मैं मार्जिन आप ही है, ओके। आपको अगर यूज करना है पैडिंग तो आप वो भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको मैं डबल हो गया ना ये डिलीट कर लेता हूँ, मुझे मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा इसको, हमारे पैजेस होंगे। अब आप इसको चाहे तो बटन में यूज करो, मान लो आप चाहते हैं, देखो एक मैं सेकंड रो बना लेता हूं नीचे, यू डॉट रो, बटन में यूज करें, ओके, बटन ले लिया मैंने, देखो आप बटन विद बीटीएन क्लास, और इसी के साथ में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बीटीएन हाइफन प्राइमरी, प्राइमरी यूज कर लेते, रिसीव मैसेजेस दिखा हमें, इसको हम लोग पैडिंग में ले लेते हैं, इसके अंदर आपको चाहते कि आप ले सके इसको, तो देखो स्पैन यूज करो डायरेक्टली, स्पैन इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, 4-5 ये डायनेमिक होगा चीज, अभी मैं जब सीखेंगे आप लोग लास्ट स्टेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे एक्चुअल में काम करते हैं, इस तरह से देखो यहाँ पे, फिर आप लाइट यूज कर सकते हैं यहाँ पे लाइट, कितना सिंपल है वैसे ही सब कुछ, देखो अभी आप चाहते हैं इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाए, देखिए ये जैसे थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप है ना, आप चाहते कैप्सूल जैसा बन जाए, तो आपको बैच पील नाम का क्लासेस के ऊपर लगाना है, सिंपल क्या करना है, बैच पील नाम का लगा देना है, जैसे कि आप इसके ऊपर जाके लगा दो तो ये कैसे हो जाएगा, कैप्सूल जैसा शेप बन जाएगा इसका, यहाँ पे देखो गोल, देखो कैप्सूल जैसा बन गया है फाइव का, आप चाहते इसके ऊपर लगाना है तो आप यहाँ पे अप्लाई करो वाली क्लास, बैच हाइफन पील, नोटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज होता है मोस्टली ये कोई इस तरह से, और काफी बेटर है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं काफी जगह पे यूज करता हूँ इसको, और यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये तो लिंक्स के लिए है, लिंक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, किसी के ऊपर भी यूज करो आप, ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये था हमारा बैच के ऊपर, अभी है और क्या है हमारे पास, कैरोसेल देखना है हम लोग को बाद में, लिस्ट ग्रुप तो देख लिया हम लोगों ने, अभी देख लिया प्रेजेंटेशन भी देख लिया था हम लोगों ने उस दिन, प्रोग्रेस ये क्या चीज है इसको देख लेते हैं, चलो देखो ये प्रोग्रेस बार अगर हम लोग को लाना है ना ऐसे, तो हम लोग को सिंपल करना है, देखो यहाँ पे कुछ इसके एट्रीब्यूट है, इसको वैल्यूज पास करने हमें, एरिया वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, देखो सिंपल है, ओके, प्रोग्रेस क्लास यूज करना है, डिविजन टैग है, और उसके अंदर हर जो भी हम लोग किसी के ऊपर भी इस तरह से अगर बनाना है हम लोग को, तो प्रोग्रेस बार आपका क्लास यूज करो, ठीक है, रोल दे दो उसको, रोल मैंने कहा था उस दिन भी आप लोगों को, रोल क्यू यूज करते हैं, ओके, यहाँ पे देखो बार इस तरह से, अभी देखो कुछ और भी चीजें हो सकती है, इसमें 25% पास किया है लोगों ने, ये अच्छी बात है, ये मतलब ये यूज फिर होता है, अगर देखो हमारा ये करंट प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने यूज किया है इसको, टॉगल एनिमेशन, देखो यहाँ पे देखो हो रहा है ना एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेट भी हो रहा है, देखो इसमें
देख सकते हैं एनिमेट हो रहा है, बट ये बटन के ऊपर है राइट ना। ओके जो है ना टॉगल एनिमेशन, रुकाओ चालू कर, अभी ये जावास्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं हम लोग, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी। चलो ठीक है, सो मुझे लगता है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपल सा बना के दिखाता हूँ। रो बना लेता हूँ सबसे पहले, डिविजन टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग लगा रहे हैं प्रोग्रेस क्लास। ओके उसके अंदर जो भी हमारा होगा उसको कुछ एट्रीब्यूट पास करना है, तो उसके पहले हमें प्रोग्रेस बार लगाना है, प्रोग्रेस हाइफन बार लगा दिया। ओके वेट अ मिनट, जब हम लोग बार यूज कर लेते हैं इसमें, मान लो मैंने देखो सिंपल कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने दो क्लासेस लगाए और मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है देखो कुछ भी कहीं भी नहीं दिखेगा। तो उसके साथ ही हमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये हम लोग को पास करना होते हैं। देखो एरिया हाइफन वैल्यू नाउ ये कर लेते हैं, और इसी के साथ में जो भी वैल्यू, देखो इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, जीरो जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो पास किया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें डिसाइड करनी है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की। ओके मैं क्या कर लेता हूँ, देखो अभी क्या करता हूँ, एरिया वैल्यू नाउ इसको और इसको मैं मिनिमम और मैक्सिमम को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये तीनों ध्यान में रखना है आपको, तीनों भी देना है हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम देना है और करंट भी देना है उसको, करंट कितना है अभी कितना है, ठीक है। तीनों का मतलब वही है, देखो अगर मैं इसको दे दूं तो पहले वाले का मतलब क्या, एरिया वैल्यू नाउ मतलब अभी वाली वैल्यू कितनी नहीं है, जस्ट अभी हम लोग को जो प्रोग्रेस बार दिखाना है उसमें कितनी वैल्यू दिखानी है, और ये मिनिमम कहाँ से हो और मैक्सिमम कितना हो ये हमें बताना है इसको, ठीक है। देखते हैं अभी आया या नहीं आया, रिफ्रेश अभी तक आया नहीं, दिख नहीं रहा ना अभी कहीं पे। ओके रिफ्रेश अभी तक नहीं दिख रहा। ओके हम लोग क्या करेंगे अभी उसका रोल देखेंगे, आई थिंक ये रोल भी देखना पड़ेगा हमें, रोल प्रोग्रेस बार यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश कर लो। ओके कहाँ पे चला गया, आई थिंक हम लोग फाइव तो सही कर रहे हैं। ओके चलो दिख नहीं रहा, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट आ गलती तो नहीं की। ओके एस्टिमेट प्रोग्रेस बार एलिमेंट, ओके इसकी विड्थ हम लोग को सेट करना पड़ेगी आई थिंक, देख लेते हैं ये भी विड्थ सेट करके, सो मुझे लग रहा है बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, देखते रहो एक मिनट। मेरा वो आई थिंक इसको कलर वगैरह देना पड़ता है या फिर कुछ अधूरा रह गया हमारे से, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ पहले। प्रॉब्लम हम लोगों ने हटा दी, मतलब रो के अंदर वो नहीं चल रहा था, ठीक हम लोगों ने ये ले लिया यहाँ पे, हमें ध्यान रखना है प्रोग्रेस यूज करना है, फिर उसके अंदर प्रोग्रेस बार और उसके साथ में कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब तो उसकी करंट वैल्यू पास करनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मान लो मैं इसको सेकंड ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड प्रोग्रेस बार लेते हैं यहाँ पे इसे एग्जैक्ट विड्थ का, और थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा 50% कर लेता हूँ यहाँ पे, 50% इसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पे। ओके थोड़ा सा इसको पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह देना पड़ेगा, जैसे कि देते हैं पैडिंग सॉरी वेलकम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 75। गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, कुछ तो हुआ फिर से, एक मिनट हम लोगों ने क्या गलती कर दी यहाँ पे, 25% तो इसमें से जो था ना वो चला गया, कहाँ पे चला गया, अंदर का जो ब्लू था ना वो निकल गया यहाँ से, है ना यहाँ पे ना वाले में तो हो रहा है प्रॉब्लम है, इसको नीचे ले लो मैं यहाँ से उठा के नीचे लेता हूँ यहाँ पे। ओके ये तो बाहर भी चल रहा है बट इसमें का जो ब्लू वाला था ना हिस्सा वो कहाँ से लगा है, चलो ठीक है नीचे वाला देखते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम है इसमें। विड्थ 75 दिया है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं इस वाले को, उस टाइप की विड्थ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, विड्थ 75। ये खाली खाली आ रहा है, इसमें आना चाहिए थी वैल्यू, वैल्यू कुछ आ नहीं रही यहाँ पे, थोड़ा प्रॉब्लम तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और नीचे क्या लेबल्स विथ लेबल्स, ओके
इसके अंदर जो लेवल होगी तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली 25% लिख दिया अगर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोडिंग, तो इसको मैं डायरेक्टली भी कॉपी कर लेता, देखते कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर हमारे करने में कुछ गलती हो रही है। नीचे वाला तो एकदम परफेक्टली चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई आई थिंक, ये MY लगाया ना मैंने इसके ऊपर, इसलिए आया मुझे समझ में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने मार्जिन उसके ऊपर दे दी। देखो अभी ये डाउनलोडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखा रहा है, मतलब चल रहा है, हम लोगों ने गलत जगह मार्जिन लगा दी थी, वहां पे नहीं लगाना चाहिए था। रिफ्रेश हो जाता है, गलती से समझ में आता है, गलती होने चाहिए। इसकी हाइट देखो, हाइट भी हम लोग इसकी कर सकते हैं मैनेज, हाइट इसको लगा सकते हैं प्रोग्रेस को, जितनी भी हाइट हो हमें चाहिए, मान लो मुझे इसकी हाइट चाहिए, देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने, देखते आगे चल के प्रोग्रेस बार में और क्या। यहाँ पे बैकग्राउंड है इसके अंदर, अगर आपको चेंज करना है तो देखो यहाँ पे BG सक्सेस वगैरह ये जो क्लासेस है बैकग्राउंड की, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बढ़िया लग रहा है, ओके, यूजफुल रहेगा आपके लिए भी काफी, जैसे कि आपको अगर स्किल दिखाना है आपके रिज्यूमे में, तो आपका डिजिटल रिज्यूमे जो भी होगा पोर्टफोलियो, उसमें आपको अगर स्किल दिखाना है, मान लो आप स्किल दिखाना चाहते हैं कि आपको PHP में आप 100 में से 50% है, या फिर आप है इसमें ज्यादा है कुछ, जावा में ज्यादा है, HTML में ज्यादा है, तो ये चीजें आप लोग बता सकते हैं वहां पे, राइट ना, ये यूज होता है वहां पे, छोटी छोटी बातें होती है। अभी यहाँ पे नीचे देखो, वैसे हम लोग बाकी कलर्स भी देखो यहाँ पे, अभी मैं सब कुछ कलर्स तो नहीं दिखा रहा आपको, आप लोग ट्राई कर, और भी चीजें मल्टीपल इंक्लूड बार्स देखो यहाँ पे, मतलब एक प्रोग्रेस क्लास के अंदर मल्टीपल प्रोग्रेस बार देखो यहाँ पे, मतलब एक साथ तीन है, देखो 1 2 3 यहाँ पे, और उसके नीचे स्ट्रिप्ट वाला, ये अच्छा लगेगा पूरा, इसको क्लास यूज करनी हमें प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट, इसको यूज करके देखते हैं यहाँ पे सिंपल, इसी के ऊपर यूज करता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिप्ट, यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, उसके नीचे जो एनिमेशन वाला था ना उसके ऊपर तरफ आते हैं हम लोग, एनिमेटेड स्ट्रिप्ट, ये जो बटन है ना, देखो ये बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जो देखो ये स्ट्रिप्ट ना, ये देखो किस तरह से हो रही है, एनिमेट हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रेस बार एनिमेटेड लगा लेते हैं इसको, और देखते हैं कि ये क्लास लगने से ये एनिमेटेड होता है या नहीं होता। देखो मैंने लगा लिया सिर्फ क्लास प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, बाकी जो है ना यहाँ पे क्लिक करने से हुआ, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है एक्चुअली। रिफ्रेश देखो यहाँ पे, देखो डाउनलोडिंग वाला जैसे दिख रहा है हमें, एनिमेशन लग गया है इसके ऊपर, सिंपल है और एकदम बढ़िया भी है, बट हमें ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया तब ये चल रहा है ना, ये एकदम सिंपल सी फंक्शनलिटी है, एकदम सिंपल सी। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना आपको मैं दिखाऊंगा ये कैसे करना है हम लोग को, यही जावास्क्रिप्ट का काम होता है डायनेमिकनेस। जैसे देखो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ये स्टॉप हो जा रहा है, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ये प्ले हो जा रहा है, यही चीज है जावास्क्रिप्ट, इतनी बेटर है, मुझे तो काफी अच्छी लगती है जावास्क्रिप्ट, और मैं उसी के ऊपर ज्यादातर वो कर लेता हूँ, फोकस ज्यादा मेरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रहता है हमेशा से। हम लोगों ने आज काफी कुछ कवर किया इसमें यहाँ पे, और क्या है देखो यहाँ पे स्पिनर से, ओके ये देखो ये स्पिनर्स भी देख लो, ये 2 मिनट का पार्ट है, वैसे भी यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर वीडियो है ये स्पिनर के ऊपर, स्पिनर कैसे बनाना है हम लोग को, देखो ये जो स्पिनर होते हैं ना, देखो ये लोडिंग वाले स्पिनर, तो कैसे बनाना है हम लोग को, सिंपल सा क्लास लेना है स्पिनर, उसके ऊपर स्पिनर बॉर्डर लगा दिया देखो यहाँ पे, और स्टेटस उस पर रोल ले दिया, उसके अंदर ये एक टेक्स्ट दे दिया। अब ये टेक्स्ट तो पता है ना सर, इसके ऊपर बारे में हम लोग आएंगे, रुकना थोड़ी देर के लिए, बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बनाना कैसे। सिंपल देखो एक क्लास है स्पिनर बॉर्डर, और भी देखो यहाँ पे जो स्पिनर ये वाले स्पिनर ग्रो, अलग अलग टाइप के क्लासेस, ये क्लास हम लोगों ने लगा दिया तो मान लो हम लोगों ने काम कर दिया हमारा। अभी देखो मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर, एक रो लेता हूँ मैं ड्यू डॉट रो, रो में हम लोग बनाएंगे स्पिनर, स्पैन लगा लेता हूँ, स्पैन के अंदर मैं कुछ लिख तो नहीं रहा, बस सिंपल इसको क्लास लगा लेता हूँ स्पिनर, ओके स्पिनर साथ में क्या है यहाँ पे स्पिनर स्पिनर बॉर्डर, ओके बॉर्डर वाला स्पिनर चाहिए हमें, ये लगा लूँ मैं, और इसके साथ में आप चाहिए तो आप कलर भी दे दो उसके साथ में, यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर वगैरह जो भी है ना ये दिया इन लोगों ने, देखो टेक्स्ट वाले, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, तो हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे अभी फिलहाल, तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया यहाँ पे लोडिंग, ये काफी यूजफुल है, हम लोग जब पढ़ेंगे ना कुछ एजेक्स वगैरह, जब सर्वर से डेटा आएगा यहाँ पे तब ये यूजफुल रहेगा हमारे लिए। देखो नीला हो गया, मतलब ये प्राइमरी कलर हो गया यहाँ पे, आप चाहते दूसरा और चाहिए
देता हूँ, यहाँ पे डार्क देता हूँ, इस तरह से उसको पैडिंग वगैरह दे देना आप लोग, ठीक है। मार्जिन दे देता हूँ इसको पहले। तो ये वाला था सिंपल वाला स्पिनर, बॉर्डर वाला। अब नीचे देखो यहाँ पे बॉर्डर वाला तो हम लोगों ने देख लिया, उसके साथ में कलर वाला। अभी ये ग्रोइंग स्पिनर देखो, इसके लिए हमें यूज करना है स्पिनर हाइफन ग्रो नाम का क्लास, इतना ही क्लास यूज करना है। मान लो इसके नीचे बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक रो बना लेता हूँ मैं, एक रो हो गई हमारी, रो बना लेता हूँ, रो हो गई यहाँ पे स्पिनर की नीचे वाली, और एक रो बना लेता हूँ मैं इसके नीचे डॉट। वो कोई भी यूज करना है, स्पैन यूज करो या फिर किसी के ऊपर भी आप जाकर इसको क्लास को लगा दो, सिंपल क्लास स्पिनर ग्रो। ओके, और यहाँ पे जाके देखो रिफ्रेश कर लो, तो ये ग्रो वाला स्पिनर दिख रहेगा आपको, दिखेगा। अब आप चाहते हैं इसको कलर वाला हो जाए तो आप सिंपल वैसी वैसी चीजें वापस से स्पिनर ग्रो आपने दिया यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा कलर देना है ये चेक कर लो पहले। यहाँ पर टेक्स्ट प्राइमरी वगैरह ये भी सब भी यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी हो गया या फिर टेक्स्ट सक्सेस हो गया, या फिर मान लो आप टेक्स्ट डेंजर लगा लो, सिंपल है। ओके, इस तरह से अब यहाँ चाहे तो आप लोग यहाँ पे इसको यू भी यूज कर सकते हैं अपना जो है। अब क्या है नीचे, और इसके नीचे देखो यहाँ पे मार्जिन वगैरह देने के लिए एम आई, ओके ये हमें पता है ऑलरेडी, सेंटर मिलाने के लिए ये भी हमें पता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, किसी भी चीज को अगर सेंटर मिलाना है तो उसको फ्लेक्स बना, और फ्लेक्स बनाने के बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दो, वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो इस तरह से अब ये भी कर सकते हैं, देखो अलाइन आइटम्स सेंटर, ये एक लाइन में आ जाएंगे सेंटरी और वर्टिकली, ठीक। देखो ये स्ट्रॉन्ग इधर से आ गया और ये स्पिनर बॉर्डर, कुछ चीजें होती है। अगर आपको लेफ्ट राइट जाना है तो फ्लोट भी यूज कर सकते हैं हम लोग वहां पे, कुछ नहीं। इसकी साइज के लिए देखो यहाँ पे इन लोगों ने यूज किया है स्पिनर बॉर्डर SM, आप लोग SM यूज करो, ग्रो SM यूज करो, ठीक। यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं हम लोग, मान लो हम लोग किसी को एक छोटा कर लेते हैं, किसको स्पिनर बॉर्डर SM, ये तो बॉर्डर वाला नहीं है, ऊपर वाले किसी को कर लेते हैं, देखो जो हम लोगों ने बॉर्डर वाला स्पिनर निकाला था तो उसके अंदर कुछ छोटा कर लेते हैं हम लोग किसी को, यहाँ पे आके हम लोग दिया बॉर्डर स्पिनर बॉर्डर SM। तो देखो कुछ एक स्पिनर छोटा हो जाएगा यहाँ पे, देखो एक जो लाइट वाला स्पिनर नहीं छोटा हो गया यहाँ पे, देखो बेसिकली ये चीजें ना लोडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग वहां पे। और क्या देखो बटन स्पिनर, मतलब मान लो आप किसी कोई तरह का बटन बना लो यहाँ पे, मान लो हम लोगों ने बना लिया बटन, यूज करो आप वहां पे स्पैन करो, होता है बटन के साथ में यूज करते हैं हम लोग मोस्टली बॉर्डर में। मान लो यहाँ पे SM वाला भी यूज कर सकते हैं आप, मान लो यहाँ पे सिग्नल लिखिया और यहाँ पे और रिफ्रेश किया, बटन में कुछ लिखना चाहिए हम लोग को जैसे कि ओके यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट डेंजर वगैरह भी दे देते हैं। SM नहीं चाहिए आपको, SM हटा दो यहाँ से, ये डेंजर डेंजर हो जाएगा सब कुछ, इसको सक्सेस देते हैं बटन में, देखो इस तरह से हो रहा है। और इसी के साथ में हम लोग टेक्स्ट भी दे देते, मान लो सेंड, और दोनों को आप लोग चाहे तो इसको जो है ना SM कर लो या फिर छोटा हो जाएगा नहीं सही से, अच्छा SM नहीं चल रहा है इसमें, और SM टेक्स्ट सक्सेस की जगह में हम लोग लाइट कर लेते हैं। कर सकते हैं हम लोग चीजों को एक साथ में, हम लोग दोनों को लगाना है। मैंने देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया था मैंने, इसी के साथ में हमें साथ में अगर छोटा करना है ना तो स्पिनर SM लगाना है, फिर SM तो स्मॉल हो जाएगा वो, इस तरह से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ओके, सो और क्या चीजें यहाँ पे, देखो ये वाला भी हम लोग यूज करके देखते हैं यहाँ पे, बटन दूसरा ले लेता कॉपी कर लो, ग्रो वाला स्पिनर यूज करते हैं यहाँ पे, स्पिनर ग्रो, ग्रो किया यहाँ पे भी ग्रो कर लो,
हम लोगों ने आज काफी चीजें देखी है ना, बट इतना आप भूल मत जाना, इतना सारी चीजें देखी तो इसको भी मैं पैडिंग वगैरह दे देता हूँ। यूजफुल है बटन, ऐसे भी बना लो, यूज कर सकते हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है, हमारा सेशन काफी देर तक चला आज। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल करने में तो कभी भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, ग्रुप है तो हमारा, वहाँ पे ग्रुप की लिंक भी होती है ना डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी कर सकते हैं ज्वाइन, अगर कोई नहीं है ज्वाइन तो। ओके, जो लोग ज्वाइन है वो हमारा पूछ सकते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम्स जो भी है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो वो भी आप लोग बोलो वहाँ पे। आज के लिए इतना करते हैं हम लोग, अभी कल मेरे हिसाब से हम लोग पॉसिबली तो है कि हम लोग एंड कर देंगे चीज़ों को, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ों को एंड करना है हम लोग को। ये टोस्ट भी देख लो यहाँ पे, हम लोगों ने उस दिन यूज किया था आई थिंक, बट इसको किसी और दिन यूज करेंगे टोस्ट को। शो लाइव टोस्ट दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है नीचे, देखो देखो, जैसे मैंने शो लाइव टोस्ट पे किया तो ये देखो यहाँ पे नीचे आया, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टोस्ट मैसेज, मतलब आएगा और चला जाएगा। देखो यहाँ पे मैसेज आता है ना किसी का तो दिखाई देता है हमें, वैसे ही देखो यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ पे करना है इसकी, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। चलो इसको भी देखेंगे हम लोग अगले वाले सेशन में, वो टाइम भी काफी हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।